लंबे कद के सुशील तिवारी को लंबी जीत दी है। अब तो कहेंगे भाई साहब सर अभी तक सर झुका के बात होती थी, लेकिन पहली बार सागर की जनता सर उठा के बात करेगी। सागर के जनता की, सागर की भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ताओं की स्वाभिमान की लड़ाई थी और उन्होंने विकास को वोट दिया है और मैं सागर की जनता का, सागर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पार्टी का कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा ताकि उनको नीचा देखना पड़े, और हमेशा कार्यकर्ताओं के और जनता के सम्मान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। सेलिंग और सुशील भाई की जोड़ी कमाल करेगी 5 सालों में। जी जी, हमेशा विकास के लिए एक साथ प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे और पार्टी की रीति नीति को लेकर लगातार काम करते रहेंगे। सेलिंग भाई ने आज आंसुओं से बता दिया कि कितनी दिली मोहब्बत से आपको चुनाव जिताया। जी, स्वाभाविक है, जब इतना अपार जन समर्थन मिलता है तो भावुक होना भी स्वाभाविक है कि इंसान है हम सब लोग, तो कहीं ना कहीं मन जब प्रसन्नता से ओतप्रोत होता है तो आदमी भावुक भी हो जाता है, और निसंदेह सागर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके हम सब लोगों को भावुकता में डाल दिया है और एक बड़ा कर्ज भी लाद दिया है कि हमेशा पार्टी की रीति नीति को लेकर कार्यकर्ताओं की, जनता की सेवा प्राथमिकता में होगी, यह हमारा वचन है। भाई साहब, हमने सुना है जोशी कहते थे कि कांग्रेस में कुंडली में लिखी थी हार ही हार, जी आ गए भाजपा में से जीत गए। सही बात है बिल्कुल, जोशी जो कह रहे हैं, और जनता ने सब निर्णय अच्छे दिए, हमारी गलतियों से हम कांग्रेस में कोई प्रत्याशी रहता नहीं था तो टक्कर देने के लिए हमें लड़ाया जाता था, परंतु जीत कभी नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पे ऋण चढ़ाया है ना, उसको हम इस जन्म में तो क्या कई जन्म में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो ये थे अध्यक्ष जी, हमें 3-4 हो गए। उपचुनाव में जब गोविंद सिंह राजपूत गर्दिश में थे उस वक्त गौरव सिरोठिया ने जबरदस्त मेहनत की थी, आज भी बता दिया कि संगठन और जिला अध्यक्ष में कैसे काम किया जाता है। भाई साहब, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। निश्चित रूप से, ये मैंने आपसे जो पहले ही कहा था कि ये जीत सागर की जनता की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने दिन और रात परिश्रम करके, उन्हें ना प्रत्याशी देखा, ना उन्हें दिन देखा, ना रात देखा, कमल के फूल के लिए हमारे सभी ये इतिहास, ये परिणाम भी उसी के फलस्वरूप हैं कि हम 48 में से 40 बार आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सागर में जीते, और पूरे जिले के अंदर की बात करें तो हम रहली पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती, शाहपुर भारतीय जनता पार्टी जीती, मकरोनिया भारतीय जनता पार्टी जीती, सुर्खी भारतीय जनता पार्टी जीते, बलहरा भारतीय जनता पार्टी जीते, पूरे जिले के अंदर जो परिणाम आए सब में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत है। ये जीत सागर जिले की जनता की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गौरव सिरोठिया साहब थे, आज भावुक हुए शैलेंद्र जैन जी, आरोप प्रत्यारोप तमाम लगे, काम करेंगे नहीं करेंगे, शैलेंद्र जैन भाई अपने भाई पे, भाई के साथ रहेंगे, तमाम बातों के बीच में आज उन्होंने, शैलेंद्र जैन के आंसुओं ने इस बात की गवाही दे दी कि कहीं ना कहीं पार्टी से बड़ा उनके लिए कोई नहीं, और आज जो जीत हुई है वो शायद भारतीय जनता पार्टी की एकता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है। बहुत अरसे बाद एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जहाँ 40% भाजपा के जीते हैं। हम तो कहेंगे कि राहत इंदौरी का आज आखिरी शेर है, फिर चुनाव खत्म हो रहे हैं, कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। इकराम खान के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस के सागर। रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर, मोबाइल नंबर 8770942168।